नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में, जहाँ पे आपको प्रेगनेंसी से जुड़े हुए काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस मिलते हैं, जहाँ से काफ़ी सारी महिलाओं ने सक्सेसफुली प्रेगनेंसी कंसीव भी किया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स, लाख प्रयास आप कर लेते हैं, तरह तरह की आप ट्रीटमेंट करवा लें या फिर घरेलू उपाय कर लें, फिर भी अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो कहाँ पर क्या कमी आ रही है जो हर महीना ही आपका खराब हो जाता है। प्रेगनेंसी नहीं रुकती है या प्रेगनेंसी खराब हो जाती है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी ही परेशानी को जूझ रही हैं, ऐसी ही परेशानी उनको हो रही है, और ऐसी परिस्थिति में समझ में भी नहीं आता है कि कहाँ पे क्या कमी है, किस तरह की ट्रीटमेंट मुझे लेनी चाहिए और कहाँ पे जाके मैं किसको दिखाऊं, क्या करूं। ऐसे कुछ तो ऐसे उपाय होने चाहिए जो इस परेशानी को दूर करने में मेरी मदद कर सके। तो आप बिल्कुल सही जगह पे आई हैं। यहाँ पे आपको मैं काफ़ी अच्छे सरल तरीके बताऊंगी, और ख़ास रूप से जो आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि बार बार प्रेगनेंसी खराब क्यों हो रही है या फिर प्रेगनेंसी रुक क्यों नहीं रही है, क्या दिक्कतें हैं जिसके कारण ऐसा आपके साथ हो रहा है, वो हम जानने जा रहे हैं। विशेष रूप से आपको इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊंगी जो काफ़ी यूजफुल हैं, प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त से ही ध्यान में रखना है। दोस्तों, प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ होती है जो मैजिकल नहीं होती है कि चुटकी बजाते आज ही प्रेगनेंसी प्लान करो, आज ही संबंध बनाओ और आज ही गर्भ रुक जाए, ऐसा नहीं होता है। इसकी जर्नी बहुत लेंदी होती है, बहुत बड़ी होती है। मेडिकल रिसोर्सेज या फिर डॉक्टर्स के गाइडेंस के अकॉर्डिंग एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि जिन महिलाओं के शरीर में बार बार यदि गर्भ खराब हो जाता है, मान लीजिए कि आपका पीरियड्स मिस हो गया था, आपको एक दो वीक ऊपर भी हो गए थे फिर पीरियड्स आ गए, इट मीन्स कि गर्भ खराब हुआ है, आपका इम्प्लांटेशन हुआ था, या फिर गर्भधारण नहीं भी हो रहा है, बार बार पीरियड्स आ रहे हैं, रिपीटेशन बेस पे हर मंथ आ रहे हैं, तो एक कॉमन प्रॉब्लम उन महिलाओं में पाई जाती है कि उनके शरीर के अंदर न्यूट्रिशंस की कमी होती है। सबसे मेन एक जो न्यूट्रिशन होता है वो आपके शरीर में फोलेट होता है, जिसे हम फोलिक एसिड भी कहते हैं। ये फोलिक एसिड करता क्या है, देखिए फ्रेंड्स, ये गर्भ के गिरने से, गर्भ को रोकता है किसी भी तरह का क्षति होने से गर्भ को, यानी कि अगर आपका गर्भ रुका भी है तो उसमें स्टेबिलिटी, स्ट्रांगनेस लेकर के आता है, ये गर्भ को जल्दी से खराब नहीं होने देती है। दूसरा कि अगर गर्भ धारण हुआ है तो बच्चे में बर्थ डिफेक्ट किसी भी तरह का, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल हो, वो नहीं आने देती है। इट मीन्स कि फोलिक एसिड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन फॉर यू अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। फॉलिक एसिड जनरली क्या होता है फ्रेंड्स, कि अगर हम खाने पीने की चीज़ें जो खा रहे हैं उससे नहीं मिलता है, तो इसके लिए एडवाइजेबल होता है डॉक्टर्स की तरफ से कि आप सप्लीमेंट लें, और वो भी जब से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उसके बिफोर 90 डेज पहले या 6 मंथ पहले से। इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि गर्भधारण की प्रोसेस को ये काफ़ी सरल बनाता है और गर्भ में एक ठहराव लाता है, आपकी यूट्रस की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फॉलिक एसिड जनरली आपको डॉक्टर्स 5 mg की रिकमेंड करते हैं, एवरी डे आपको एक टैबलेट लेना ही होता है, आफ्टर मील 30 मिनट्स के बाद आप इसको दिन में ले सकती हैं। अगर आप चाहें तो आप अपनी किसी गायनो को दिखा रही हैं, मिल रही हैं, तो उनसे भी सुनिश्चित करें कि क्या फॉलेट आपको मिल चुका है। आप नोटिस करेंगे कि आपके प्रिस्क्रिप्शन में जरूर फॉलिक एसिड की, फॉलेट नाम की कोई भी टैबलेट्स 5 mg की जरूर प्रिस्क्राइब। दोस्तों, यदि ऐसा नहीं है तो अपने डॉक्टर से परामर्श ले लें। जनरली इसके लिए किसी प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बेसिक न्यूट्रिशन होता है फीमेल्स के लिए गर्भ आरोपण के लिए। तो आप जनरली मेडिकल स्टोर से भी 5 mg की फॉलिक एसिड टैबलेट्स लेना बिल्कुल ना भूलें, और इसका डेली सेवन करें जब से प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, जब से मन बना लिया है। दूसरी बात का ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कि ओवर स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा हमारे शरीर को टॉक्सिक बनाता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो भी न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं वो आप डाइट के थ्रू ही ले रहे हैं, तो जो कंट्रोल्ड होना चाहिए डाइट के थ्रू न्यूट्रिशन के एब्जर्वेशन का आपकी बॉडी में, वो ओवर स्ट्रेस की वजह से नहीं हो पाता है, क्योंकि ओवर स्ट्रेस आपके हॉर्मोन्स को काफ़ी ख़राब कर देती है। और हमारा जो पूरा शरीर है ना, चाहे वो नेल्स बनने की प्रोसेस हो, चाहे वो हेयर ग्रोथ की प्रोसेस हो, आँखों की रोशनी हो, सब कुछ हमारे हॉर्मोन
हार्मोन्स पे ही डिपेंड करता है। तो हमारे बॉडी की मैक्सिमम जो फंक्शनिंग होती है वो हार्मोन्स बेस्ड होती है। हार्मोन्स को बहुत ही अच्छे से चलाने के लिए, बनाने के लिए, क्योंकि हार्मोन्स ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं होता है कि आपको दे दिया जाए हार्मोन्स बनने लग जाए। हार्मोन्स बॉडी खुद बनाती है, जैसे विटामिन डी बॉडी खुद बनाती है। अगर आप सनलाइट में नहीं बैठते हैं तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि विटामिन डी के नेचुरल सोर्सेस सनलाइट से आते हैं और बॉडी उसको फिर बनाती है। तो इसी तरह से हमारे शरीर में काफ़ी हार्मोन्स खुद से बनते हैं, समय पे बढ़ते हैं, ताकि आपका ओवुलेशन टाइम पे हो, पीरियड्स टाइम पे आए और प्रेगनेंसी के लिए भी आपको सपोर्ट मिल सके, यानी प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी समय पे इंक्रीज्ड हो जाए। तो इसके लिए न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत होती है बॉडी को। आमतौर पे भाग दौड़ की इतनी ज़्यादा लाइफ स्टाइल है, बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड होता है, बहुत सारी वुमेन बाहर भी काम करती होंगी, ऑफिस में भी, तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि खाने का कोई भी टाइम टेबल जो होता है वो स्ट्रांगली आप फॉलो नहीं करती हैं एवरीडे। बट यहीं पे वो चूक हो जाती है कि आप अगर सुबह का ब्रेकफास्ट मिस कर जाती हैं, अगर आप घर का टिफिन मिस कर जाती हैं और बाहर से कुछ खा लेती हैं, तो ये बैड हैबिट्स ही धीरे धीरे करके आपके शरीर के अंदर टॉक्सिक्स को जमा करता है। ये टॉक्सिक आपके मल्टीपल ऑर्गन्स को डैमेज करती है और आपके इनफर्टिलिटी यानी गर्भधारण को भी रोकती है। इस वजह से सुनिश्चित करें कि जो आपकी डाइट मील है, यदि आपने किसी डाइट टिशियन से प्रिस्क्राइब करवाया है या डॉक्टर ने गाइड किया है, या फिर हेल्दी न्यूट्रिशंस आपको पता है कि किस तरह से लेना है। अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ें खानी चाहिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जो हेल्दी होती है, न्यूट्रिशनल होती हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करती रहेंगी और ओवर स्ट्रेस नहीं लेंगी, प्रेगनेंसी आपकी इतनी ज़्यादा सरलता से कंसीव होगी ना फ्रेंड्स कि आपको भी जादू की जैसा लगेगा। इस वजह से आज से ही ओवर थिंकिंग करना बंद करिए, बेबी के बारे में सोचना बंद करिए। स्पेशली क्या होता है फ्रेंड्स कि जब हम बेबी प्लान करते हैं हमको बेबी कंसीव नहीं होता है, क्योंकि हम हमारे शरीर के साथ एबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, उसको टेंशन में डाल रहे हैं बार बार एक ही चीज़ को सोच करके। तो हैप्पी रहिए, अपने डाइट को कंट्रोल्ड में रखिए, बहुत ही अच्छे बेस्ट ऑप्शंस होते हैं, न्यूट्रिशनल फूड लीजिए जिससे आपके शरीर में वो ताकत रहे कि वो गर्भ आरोपण कर सके। बहुत बार गर्भ आरोपण हो जाता है, बच्चे में कमजोरी रहती है ना, तो बॉडी उसको एग्जिस्ट नहीं कर पाती है, वो अपने आप से ही उसको खराब करती है, टर्मिनेट कर देती है, क्योंकि वो आपके शरीर को स्वस्थ रखना चाहती है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि इस तरह से अगर प्रेगनेंसी प्लान करेंगे और ये गलती रिपीटेशन बेस पे नहीं होगी अब से, तो प्रेगनेंसी की जर्नी बहुत जल्दी आपकी कंफर्म हो जाएगी और रिजल्ट आपकी पॉजिटिव आएगी। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। फ्रेंड्स ऐसी वीडियोज के लिए मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा इनफर्टिलिटी कपल्स तक शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, आप अपना रखिएगा पूरा ध्यान। टेक केयर दोस्तों, थैंक यू।